Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of societal impacts that can come in 1 mark. So let us start with the first question. When e-waste such as electronic circuit boards are burned for disposal, जब आप e-waste को, e-waste क्या होता है, आपका electronic devices का waste होता है, old electronic devices होते हैं जैसे आपके phone, laptops, pager, radios, CD, DVD, right? जब आप उनको dispose of करने के लिए burn करते हो, उनको जलाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, electronic circuit boards होते हैं, right? तो जो elements होते हैं electronic circuit boards में, वो क्या करते हैं, कुछ harmful chemicals उनके अंदर होते हैं, right? Okay, उनको जलाने पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, दे कॉज स्किन डिजीज, एलर्जीज एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर. फाइन, तो वो कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्किन डिजीज कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, लंग कैंसर का रिस्क रहता है जिससे, ओके, तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो है बेरिलियम, राइट? जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, जलाते हो, तो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है बेरिलियम. ओके ओके, कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर, कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किसके अंदर आते हैं, कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं, राइट? ये जो आपका कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है वो लोगों को दिया जाता है उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, कॉपीराइट जब मिलता है तो किसी का भी इंटेलेक्चुअल वर्क कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. फाइन, पेटेंट किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए. अगर किसी ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है तो वो उस पर पेटेंट को यूज़ कर सकता है, दैट नो अदर पर्सन कैन यूज़ हिज हर इन्वेंशन, राइट? ट्रेडमार्क क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स, डिज़ाइंस होते हैं. फाइन, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है. फाइन, नो, डैश इज नॉट अ फोर्स टूल. यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फाइन, फोर्स क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो आपके आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसको विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट दिए बगैर, कुछ भी पैसे दिए बगैर, आप जिसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ओके, और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश इज नॉट अ फोर्स टूल, कौन सा फोर्स नहीं है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है. तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ओपन सोर्स है, और पाइथन भी. पाइथन देखो आप फ्रीली डाउनलोड करते हो, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता. तो यहाँ पे फोर्स टूल कौन सा नहीं है, आपका गूगल क्रोम फोर्स टूल नहीं है. ओके, नेक्स्ट, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द सर्वर एंड एनक्रिप्टिंग द डेटा अ सॉफ्टवेयर कंपनी सर्वर इज अनएथिकली एक्सेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. किसी भी कंपनी के सर्वर को अनएथिकली एक्सेस किया जाता है, ओके, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सर्वर के अंदर जो भी डेटा है उसको एक कोडेड फॉर्म में, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. द अटैकर ब्लैकमेल्स द कंपनी, उसके बाद अटैकर क्या करता है, कंपनी को ब्लैकमेल करता है टू पे मनी फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, राइट? ब्लैकमेल करता है अटैकर कंपनी को किस लिए, पैसे देने के लिए, टू पे द मनी, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द डेटा. अगर कंपनी को अपना डेटा चाहिए तो इसके लिए उसको अटैकर को पे करना पड़ेगा. एंड थ्रेटन्स टू पब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या थ्रेटन करता है, क्या धमकी देता है, कि कंपनी की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको पब्लिक कर दिया जाएगा अनलेस प्राइस इज पेड, जब तक कि प्राइस नहीं पे किया जाता, राइट? दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज, इस तरीके के अटैक को क्या कहा जाता है, इस तरीके के अटैक को कहा जाता है रैंसमवेयर, राइट? रैंसमवेयर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर, राइट? एक तरीके का कंप्यूटर मालवेयर होता है जो क्या करता है, अगर किसी भी सर्वर में, किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, ओके, और उसको कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ले लेता है, राइट? तो इस तरीके के मालवेयर को, अटैकर को क्या बोलेंगे, रैंसमवेयर. रैंसमवेयर क्यों, क्योंकि ये डेटा देने के बदले में रैंसम अमाउंट मांगता है, रैंसम मांगता है, राइट? नाउ, डैश इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू बिल्ड अ पब्लिकली एक्सेसिबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर अ रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड एकेडमिक वर्क इज शेयर्ड
फ्रीली। तो ऐसे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जिसका एम क्या है, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे लोगों के क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क को फ्रीली शेयर किया जा सके, राइट। इसके लिए किसी को भी पैसे ना देना पड़े, राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स, ओके। देखो जब आप वीडियोस डालते हो यूट्यूब वगैरह पे भी डालते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ हो, एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे ये होता है कि आप इसको क्रिएटिव कॉमन्स में डालना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ऑप्शन में डालना चाहते हैं, राइट। अगर आप अपने डेटा को फ्रीली अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्रिएटिव कॉमन्स ऑप्शन में डाल देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी करना साइबर क्राइम है, ओके। फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या होता है, जब आप किसी के डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हो, राइट, किसी के लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट को, मतलब रियल डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर लेते हो या किसी के बैंक के सिग्नेचर्स को कॉपी कर लेते हो, ओके, तो ये सब क्या होता है, फॉर्जरी होता है। साइबर बुलिंग क्या होता है, बुलिंग करना, ओके, इंटरनेट पे बुलिंग करना क्या होता है, साइबर बुलिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है, वो क्या है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ओके। एंटीवायरस को इंस्टॉल करना कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, राइट। नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट, तो आपको बताना है ई वेस्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पे राइप एंड मैंगो नहीं है ई वेस्ट का एग्जांपल, अनयूज्ड ओल्ड शूज नो, एम्प्टी कोला कैंस नो। तो आपका ई वेस्ट का एग्जांपल है आपका ओल्ड कंप्यूटर, अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स, ओके। नाउ ओ इन फोर्स स्टैंड्स फॉर, ओ का क्या मीनिंग है, फोर्स के अंदर, तो फोर स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, राइट। लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज, एक लीगल टर्म यूज किया जाता है राइट्स के लिए, ओके, किसके राइट्स के लिए, क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, मतलब जिसने कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क क्रिएट किया है, कोई क्रिएटिव वर्क किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, ओके, उस पर्सन के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल टर्म यूज किया जाता है, वो लीगल टर्म है आपका कॉपी राइट, ओके। नो डैश इज द ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट और यूज एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, राइट, कहीं पे भी डेटा फिल करते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक इम्प्रेशन रहता है, ओके, ऑनलाइन इम्प्रेशन रहता है, ओके, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट, राइट। नो एफ इन फॉर्स स्टैंड्स फॉर, आपको फॉर्स की फुल फॉर्म पता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो यहां पे एफ स्टैंड्स फॉर फ्री, ओके। IPR stands for intellectual property rights, okay? IPR stands for intellectual property rights. ये वो rights हैं जो एक person को दिए जाते हैं उसकी intellectual property को protect करने के लिए। Intellectual property कौन सी होती है, जो उसने खुद create की है अपने intellect को use करके, right? अपनी मेहनत से जो उसने खुद बनाई है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR, इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म क्या है, वायलेशन है। यहाँ पे आप क्या करते हो, किसी दूसरे पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क स्टील करके उसे खुद का दिखाते हो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, आप कॉपीराइट को नहीं मानते हो, ओके, कॉपीराइट को वायलेट करते हो। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यहाँ पे आप ट्रेडमार्क को कॉपी करते हो, राइट। तो वायलेशन जो नहीं है, राइट, वो क्या है, पेटेंट, राइट। पेटेंट क्या है, IPR का ही पार्ट है, ओके, ये इसको वायलेट नहीं करता, ये इसको फॉलो करता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, दूसरों के वर्क को और आइडियाज को अपना खुद का बता के शो करता है, फाइन। तो ये आपका है प्लैगरिज्म, ओके। नाउ फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट, चूज द ऑड वन आउट।
ओके तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से और कौन सा है, ये क्या है ई वेस्ट का जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, वो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा और है। तो ई वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है आपका, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे और क्या है, साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अमित डिलीटेड ऑल हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स। अमित ने क्या किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी हैं एंड ही थिंक्स दैट हिज ट्रेसेस आर डिलीटेड कम्प्लीटली। और वो सोचता है कि अब उसका जो भी उसने किया था वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। इज ही राइट इन थिंकिंग सो? तो यहाँ पे इसका आंसर है नो, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो सर्वर पे होता है, आप अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हो बट वहाँ पे वो रहेगा। फाइन, द लीगल एंड रेगुलेटरी aspects ऑफ द इंटरनेट refer टू। इंटरनेट पर जो लीगल aspects यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलता है, उनको कहा जाता है IT Act, राइट। IT Act क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये क्या है, इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। IT Act क्या है, एक लॉ है इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम से डील करता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी लेन देन होता है पैसे का इंटरनेट के थ्रू, उसका पूरा वो ध्यान रखता है, ओके। No. Dash is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email. ये एक तरीके का cyber crime है जहाँ पे target या number of targets के साथ contact किया जाता है email के through, telephone के through, text messages के through by someone posing as a legitimate institution. और वहाँ पे जो contact कर रहा है person, ओके, वो कैसे रिएक्ट करता है कि वो बहुत ही एक legitimate, एक genuine institution है to lure individuals into providing sensitive data। तो वो क्या करता है, उनको लालच देता है जिससे कि वो अपने लोगों को लालच देता है जिससे कि वो अपनी sensitive data को provide करें, उनको दें as personal identification information, अपनी personal identification information दें, banking and credit card details दें या passwords दें, right? तो ये जो fraud होता है, ये जो cyber crime होता है, उसका क्या name होता है, उसको हम कहते हैं phishing, राइट। जिसमें क्या होता है, फ्रॉड मेल्स के थ्रू, फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को टारगेट किया जाता है। फाइन, नाउ सुहानी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। सुहानी क्या है, कुछ कंफ्यूजन में है, उसको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ओके। फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स सजेस्टेड अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके दोस्तों ने उसको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सजेस्ट किए हैं, ओके। Help her in choosing free operating system for her device. तो आपको बताना है इनमें से free operating system कौन सा है। तो जो आपका first one है Ubuntu, right? This is the free operating system. This is the force operating system. Fine? Now consider the following statements with reference to the use of email. आपको कुछ statements दिए गए हैं, okay? Regarding the use of email. आप first statement क्या है? Sending threatening messages to a classmate. Classmate को threatening message सेंड करना, धमकी भरे मैसेज सेंड करना, ओके। इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना स्कूल क्लब एक्टिविटी के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, ओके। थर्ड इज आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क, आप अपने टीचर से हेल्प मांग सकते हो होमवर्क के लिए। एंड फोर्थ इज रिस्पोंडिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल्स, राइट। या तो स्पैम ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ओके, दूसरों को सेंड करना, या फिर आपके पास जो आए हैं उनको रिस्पोंड करना। तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो अप्रोप्रिएट, एक सही यूज है ईमेल का। फाइन, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टू है और थ्री सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू एंड थ्री। स्टेटमेंट टू इन्वाइटिंग फ्रेंड्स एंड थ्री यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर टीचर। फाइन, नो सहर्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड ही इज वेरी फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट, ओके। सहर्स क्या है, क्लास 9 का स्टूडेंट है और वो बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट एप्लीकेशंस। वन डे ही गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज ऑन हिज इंस्टेंट मैसेंजर, एक दिन उसे एक बहुत ही अनप्लीजेंट मैसेज आता है अपने मैसेंजर पर, ओके। व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए।
राइट, इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसको इग्नोर कर दो और किसी और से बात करने लग जाओ. सेकंड क्या है, रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज. उनसे बात करना, उनसे पूछना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू आर सेंडिंग अनप्लीजेंट मैसेजेस टू मी. ओके, नेक्स्ट वन, शट डाउन द कंप्यूटर एंड होप दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर. अपने कंप्यूटर को बंद कर देना और सोचना कि फ्यूचर में ये दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे. और द लास्ट वन, गो टू हिज पेरेंट टीचर और अदर ट्रस्टेड अडल्ट एंड लेट देम नो डैट ही फील्स अनकम्फर्टेबल. राइट, या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं या टीचर के पास जाएं या किसी भी ट्रस्टेड एक अडल्ट पर्सन के पास जाएं और उसको इस मेल के बारे में बताएं, मैसेज के बारे में बताएं और ये बताएं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है. और कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए. ओके, पेरेंट्स के पास या टीचर के पास या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं. फाइन, ओके. नाउ, फिजिबल मेथड्स टू मैनेज ई वेस्ट. ई वेस्ट को मैनेज करने का फिजिबल मेथड क्या है, सबसे सही तरीका क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, तो ये तीनों ही मेथड एक करेक्ट मेथड हैं. ई वेस्ट को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रीयूज कर सकते हो. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स का अगर आप रीयूज कर सकते हो या उनको रिसाइकल कर सकते हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है कि आपके ये जो तीनों मेथड्स हैं वो बहुत ही करेक्ट मेथड्स हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. फाइन, देन वी शुड एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स वाइल बींग ऑनलाइन. आपको एक प्रॉपर मैनर्स दिखाने चाहिए, एटिकेट्स आपको शो करने चाहिए जब आप ऑनलाइन हो. ओके, चूज द राइट नेट एटिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको प्रॉपर नेट एटिकेट्स बताने हैं, राइट नेट एटिकेट्स बताने हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए व्हेन यू आर ऑनलाइन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है अवॉइड साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए, दिस इज करेक्ट वन. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. नो कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. ओके, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल दीज थ्री. ओके, नाउ लिनक्स, MySQL एंड Mozilla Firefox सॉफ्टवेयर कम्स अंडर डैश कैटेगरी. तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके, जिनको आप विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो, इनके सोर्स कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हो. राइट, नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है एंड फॉल्स है. अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर ऑफ द कंटेंट. राइट, कॉपीराइट क्या होता है, आपको राइट मिल जाता है जब आप कुछ भी कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो. तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है. ओके, इन फॉल्स सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड यूज़र से हिडन होता है, मतलब उनको ये अवेलेबल नहीं होता. बट ऐसा नहीं है फोर्स, जो फोर्स होते हैं मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे आप उनके उन सॉफ्टवेयर्स के आप कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, और रीयूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है. ओके, नाउ हाउ कैन इंडिविजुअल्स प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट. लोग अपने आप को आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचा सकते हैं. ओके, शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली ऑन सोशल मीडिया, नहीं, आपको शेयर नहीं करनी है, ये रॉन्ग है. यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट, सबका पासवर्ड सेम रखना, ये भी गलत बात है. ओके, श्रेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल पीसेस में श्रेड कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो. यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं. एंड मॉनिटर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स वो पूरा मॉनिटर करना है. राइट, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, और जो लास्ट था आपका नेवर चेक बैंक स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. ठीक है, हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स आपको चेक करती रहने चाहिए. ओके, नाउ विच एनवायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ कौन सा एनवायरमेंटल इशू बना हुआ है, जुड़ा हुआ है. ओशन एसिडिफिकेशन, नो. एयर पोल्यूशन, यस, एयर पोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता. वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एयर पोल्यूशन. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स.
इनमें से किस चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट नहीं करता है? फर्स्ट, क्या आपका लिटरेरी वर्क इसको प्रोटेक्ट करता है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। फाइन, किसको प्रोटेक्ट करता है? लिटरेरी वर्क को, ट्रेडमार्क को एंड पेटेंटेड इन्वेंशंस को। ओके, तो जिसको प्रोटेक्ट नहीं करता है वो आपका क्या है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ डैश इज अ साइबर अटैक मेथड दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल्स और मैसेजेस टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिंग क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल डेटा। राइट, ये अभी हमने पहले भी किया था इसी टाइप का एक एमसीक्यू। डैश इज़ ए साइबर अटैक, ये एक काइंड का साइबर अटैक होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके पास फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, ओके, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको लर करते हैं, आपको लालच देते हैं किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए, ओके, या आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए। फाइन, तो इस टाइप के अटैक को कहा जाता है फिशिंग। Identify FOSS from the following, इसमें से आपको FOSS सॉफ्टवेयर बताना है, MS Windows, Corel Draw, Photoshop and Linux। तो Linux आपका क्या है? आपका FOSS सॉफ्टवेयर है। ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।